भाई ये बताओ, देश में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ावा जा सकता है? दूध का उत्पादन तो भाईचारे से बढ़ावा जा सकता है। भाईचारे से वो कैसे है? अरे भाई, चारा खाइए तभी तो गाय भैंस मजे का दूध देंगे। दोस्तों अभी भी जो आपने वीडियो देखा, क्या उस टाइप की वीडियो बनाना चाहते हैं? कुछ लोग अपनी फेस की यूज करके आलू प्याज वाला वीडियो बनाते हैं और बहुत ही अच्छा खासा अभी भी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो चलिए इस वीडियो को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब में, ठीक है, खुद यूट्यूब, और यहाँ पे सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ग्रीन स्किन आई एंड माउथ, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा, इसको आप अपनी गैलरी में डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है। भाई यहाँ पे मैंने तो डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैंने नहीं, ये फर्स्ट वाला डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेसिंग देख लेते हैं। फिर से उसके बाद यहाँ पे YouTube में ही सर्च कर लेना आप हनी साउंड इफेक्ट नो कॉपीराइट को सर्च कर लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा जो कि आप अपनी फनी वीडियो में आप फनी फनी साउंड यहाँ पे लगा सकते हो। आप साउंड को यहाँ से सुनकर डाउनलोड कर लेना। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद बैक चला जाना है। बैक जाने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। इसको हमें सर्च यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाना है और सर्च में लिखना है हिंदी जोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम हिंदी जोक्स यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ से जोक्स मिल जाएगा। जो सो भाई यहाँ पे आपको बहुत सारा जोक्स देखने को मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लेना। यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहीं पे आप आ जाना है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड सर्च कर लेना, सिर्फ बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे बैकग्राउंड भी सर्च करके यहाँ पे ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, गिप बैकग्राउंड भी आप सर्च कर लोगे तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी ये भी डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ से आपको जो भी करेक्टर चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिख लिया है वन आलू, यहाँ पे वन पीस आलू मिल गया, इसको हम क्लिक करके यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर कोई भी और भी सब्जियाँ लेना चाहें तो आप वन लिख देना, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी लेना चाहो, टमाटर यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ, टमाटर भी आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डाउनलोड कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी अपनी मनपसंद जो सब्जियाँ वगैरह है, जो भी आप से भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो इसको डाउनलोड कर लिए। अब डाउनलोड करने के बाद सीधा चले जाना है काइन मास्टर को, ओपन कर लेना है, काइन मास्टर में चले जाना है और यहाँ पे क्रिएट में जाना है, सेलेक्ट करना है शॉर्ट वाला ऑप्शन 9.16। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड को ले लेंगे, जो हमने बैकग्राउंड को लिया है, सॉरी यहाँ पे बैकग्राउंड पहले ले लेंगे, बैकग्राउंड को ले लिया है। यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक पैन जूम पे जाकर इसको हम जूम कर देंगे और बराबर पे क्लिक कर देंगे। और जहाँ तक आप वीडियो बनाना चाहते हो भाई, इसको हम इधर घिसका देंगे। उसके बाद लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडियम में जाएंगे और जो हमने टमाटर आलू की पिक्चर्स वगैरह लिया है इसको हम ले लेंगे। और लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, क्रोमा की का ऑप्शन इस पर क्लिक करके इनेबल करेंगे, की कलर पर क्लिक करेंगे, वाइट कर देंगे। वाइट करके इसको हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे। और आपको यहाँ से दो बैकग्राउंड चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, ये तो मेरे पास एक ही है तो मैं एक ही एडजस्ट कर लेती हूँ। मतलब कि आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे आप दो बैकग्राउंड की यूज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेयर पर जाना है, मीडियम जाना है, टमाटर को ले लेना है। तो यहाँ पर टमाटर को भी ले लिया, सेम प्रोसेसिंग है, क्रोमा की में जाकर इसकी जो बैकग्राउंड है वाइट बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। तो हमने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है, इसको भी हम बड़ा करके यहाँ पे रख देंगे। तो ये भी हो गया है। फिर से हम जाएंगे लेयर में, मीडियम जाएंगे और जो हमने आई और माउथ को जो हमने लिया है उसको भी यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे हमारी आई माउथ आ गई तो इसको भी बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे और इसको हम बड़ा करके इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे। और सेम यहाँ पे हम टमाटर को भी, टमाटर पे भी इस तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कट कर देंगे यहाँ पे कैंची पे जाके, और टमाटर जो हमारी साइज की जो भी साइज की यहाँ पे टमाटर पे लगा देंगे। अब जहाँ तक हमारी ये वीडियो बन रही है उसके लेंगे और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से हम कट करके हटा देंगे। अब यहाँ तक हमारी वीडियो है, फिर से हम क्या करेंगे, लेयर पे जाएंगे, मीडियम जाएंगे और जो हमने अभी अभी जूस को डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें, अगर आप चाहो तो मतलब ये आई वॉइस भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे वॉइस ओवर करेंगे। तो सिंपली जो जो यहाँ पे आपको लिखा है यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़कर मतलब कि यहाँ पे बोल देना है। जैसे कि यहाँ पे है, मेरे तू मेरे फिल्म में काम करोगी, तो पत्नी बोलेगी हाँ, तो उस मतलब कि कुछ इस तरह से जोक्स है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद सुना।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया, चलिए पहले मैं आपको सुना देती हूँ। देखिए, मेरी फिल्म में काम करोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं करूँगी, बताओ क्या करना होगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस जाना है और नदी में जाकर खड़ा हो जाना है। अच्छा, तो फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। कुछ इस तरह से मैंने पूरी की तो पूरी यहाँ पे जोक्स है वो मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब यहाँ तक हमारी जोक्स की आ रही है, यहाँ से हम कट करके बैकग्राउंड को हटा देंगे। अब यहाँ पे जो है इसको भी हम हटा देंगे, जोक्स की हमारी काम नहीं है, इसकी काम हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है हमने कुछ इस तरह से इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे पहले, और उसके बाद जो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, जहाँ तक हमारी बुआई जा रही है, तो उसके बाद यहाँ पे पहले यहाँ पे आलू की बार है, उसके बाद ये टमाटर, फिर आलू। तो फिर हम क्या करेंगे, आलू को हम यहाँ से क्या करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर देंगे। अब डुप्लीकेट करके हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम ले आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम यहाँ पे हम ले आएंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद फिर से आई को भी हम आई माउथ को डुप्लीकेट करेंगे और सेम ले जाकर यही रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आलू को रखा है, तो हम सेम इस तरह से हम रख देंगे। अब जहाँ तक हमारी बॉयस जा रही है वहाँ तक हम इसको भी लमरा देंगे, मतलब कि यहाँ पे घींच देंगे, यहाँ तक हम घींच दे रहे हैं इसको। चलिए यहाँ पे आ चुका है, हम फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से हमारी वीडियो बन गई है। तो इस तरह से कुछ हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें वॉइस को चेंज करना है, तो वॉइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मिक्सर में जाकर इसको हमें आगे कर देना। अगर लड़की की आवाज़ निकालना चाहते हैं तो इस तरह से आगे कर दीजिए, तो ये पतली हो जाएगी। देखिए, अगर लड़का का आवाज़ निकालना चाहते हैं तो आप पीछे कर दीजिए, इसको आप कर दे देंगे तो आप लड़का या लड़की की, लड़का और लड़की की आवाज़ आप बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज करके। अब चलिए हम बताते हैं, अब यहाँ से हम इसको लड़का लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लड़की की आवाज़ में कर लेंगे, इसको हम पीछे कर देंगे लड़का की आवाज़ में, और सेम ही रखिएगा। यहाँ पे अगर दो रख रहे हैं तो आप दो ही रखिए, तीन रख रहे हैं तो तीन ही रखिए, इस तरह से हम कर दे रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर आप और भी पीछे कर देंगे तो इसकी और भी आवाज़ जो है मोटी हो जाएगी। यहाँ पे आप सुन लीजिए एक बार, ये मेरी आवाज़ थी और यहाँ पे लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट हो गई। अब चलिए इफेक्ट लगाने के बारे, तो यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है और सॉन्ग में जाना है, और सॉन्ग में जाने के बाद जो हमने डाउनलोड किया है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे इफेक्ट को डाउनलोड किया था तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, हमें मिल नहीं रहा है, अब आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इफेक्ट मिल गया, प्लस पे क्लिक करेंगे और इफेक्ट लगा लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो इफेक्ट को हम यूज़ करने के, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कट पे क्लिक कर देंगे, इस तरह कट करेंगे, और जहाँ जहाँ हमें इफेक्ट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ इस इफेक्ट को मतलब लगा देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर घसका देंगे, और जो जो भी इफेक्ट अच्छा लगेगा हमें, हम उस इफेक्ट को जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा साउंड कम कर देंगे ताकि हमारी वॉइस भी सुनाई दे और इफेक्ट भी यहाँ पे अच्छे से काम करे। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो हमारी इफेक्ट को आप अच्छे से सेट कर करके लगाइए जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, भाई यहाँ पे इफेक्ट चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। अब ना क्या है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना, वीडियो आपकी एकदम से बनकर रेडी हो गई, इफेक्ट आप अच्छे से लगा लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वीडियो को आपकी गैलरी में एकदम से सेव कर देना है, और इस तरह से आपकी जो वीडियो है 2 से 3 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज के लिए बस इतना ही।